अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एपिसोड 25 ऑफ कानून नान्स वीकली केस लॉ बुलेटिन। चले पहली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की जानिब चलते हैं। सफ़ीउर रहमान खान अगेंस्ट चेयरमैन नैब, नैब हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद एक्सेट्रा। ये केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने उसकी एपिलेट जुरिस्डिक्शन में सिविल अपील्स के तौर पर पेश किए गए। इन तमाम सिविल अपील्स के फैक्ट एक ही थे, जिनके मुताबिक पिटिशनर ने एक पोंजी स्कीम के तहत आम आवाम के बहुत से लोगों को डिफ्रॉड किया। पिटिशनर ने एक स्कीम बनाई जिनमें उन्होंने लोगों को ये यकीन दिलवाया कि अगर वो इसमें पैसे इन्वेस्ट करें तो उन्हें हर हफ्ते 7 से 20% मुनाफा मिलेगा। इस स्कीम में मुतअद्दिद लोगों ने पैसे जमा करवाए और पिटिशनर ने इस तरह 10 अरब रुपए जमा कर लिए। पिटिशनर के खिलाफ फिर नैब ने इंक्वायरी शुरू की, लेकिन पिटिशनर ने नैब के इन नोटिस की लीगैलिटी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। साइमल्टेनियसली SECP ने भी पिटिशनर के खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने मुतअद्दिद इश्यूज रखे गए। पहला इशू ये था कि क्या अगर SECP और नैब एक साथ पिटिशनर के खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दें तो क्या ये डबल जेपर्डी कहलाया जा सकता है। सेकेंड इशू ये था कि क्या SECP एक्ट और कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस नैब ऑर्डिनेंस को ओवरराइड करती हैं। तीसरा और आखिरी इशू ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट किसी अपील का फैसला हाई कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर के बाद डिटेल ऑर्डर का इंतजार किए बगैर सुना सकती है। पहले इशू को डिसाइड करते हुए कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13A के तहत किसी भी शख्स को एक ही ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं किया जा सकता। इस प्रोविजन में भी लफ्ज़ प्रोसिक्यूशन का मतलब था एक कोर्ट के सामने एक क्रिमिनल ऑफेंस के लिए ट्राई किया जाना, और इसमें किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूल्स को तोड़ने के लिए प्रोसिक्यूशन शामिल नहीं थी। सेम ऑफेंस का मतलब भी ये था कि वो ऑफेंस या क्राइम की लवाजमात एक ही हों, और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि वो ऑफेंस सेम इश्यूज़ या फैक्ट्स से निकलती हैं। इस केस में SECP एक कोर्ट ऑफ लॉ नहीं था और ना ही कंपनीज एक्ट के नीचे की गई ऑफेंसेस के लवाजमात उन ऑफेंसेस की तरह थे जिसके लिए पिटिशनर के खिलाफ नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9 के तहत इन्वेस्टिगेशन की गई थी। डबल जेपर्डी के कॉन्सेप्ट का मतलब ही ये था कि अगर एक शख्स को पहले एक ऑफेंस की सज़ा दी गई है तो उसे दूसरी दफ़ा उस क्राइम के लिए सज़ा नहीं दी जाए। अलबत्त इस केस के फैक्ट्स पर SECP और नैब की जानिब से की जाने वाली प्रोसीडिंग्स दोनों मुख्तलिफ नेचर की थी और यहाँ डबल जेपर्डी का बार अप्लाई नहीं करता। केस के दूसरे इशू पर कोर्ट ने कहा नैब और SECP की जुरिस्डिक्शन बहुत ही मुख्तलिफ हैं और इनमें किसी भी किस्म का ओवरलैप नहीं। अवाम को चीट करना और उनका भरोसा तोड़ना नैब ऑर्डिनेंस के नीचे फेल करता है, ना कि SECP की जुरिस्डिक्शन में। इसीलिए अगर इस केस में नैब ने इस केस का नोटिस SECP के रेफरेंस भेजने पर लिया तो इसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि नैब SECP के रेफरेंस के बगैर भी ये कर सकती थी। केस के तीसरे इशू पर कोर्ट ने कहा कि आम तौर पर किसी अपील पर फैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिटेल्ड ऑर्डर का इंतज़ार करती है। अलबत्ता अगर किसी केस के फैक्ट्स मुनफरद हों, जैसे कि इस केस के, तो इस जनरल रूल से डिपार्ट किया जा सकता है। इस केस में पिटिशनर ने बेल का इशू रेज किया और कुछ इंपॉर्टेंट लॉज के स्कोप को भी चैलेंज किया गया। बेल का इशू अक्सर अर्जेंट कंसिडर किया जाता है और इस केस में डिटेल फैक्ट्स पर जाना लाजमी नहीं था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिटेल्ड रीजंस का इंतज़ार किए बगैर हाई कोर्ट के फैसले को ही अपहोल्ड किया और पिटिशनर की लीव टू अपील और रिट पिटिशन डिसमिस कर दी। जफर इकबाल अगेंस्ट द स्टेट थ्रू प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब एंड अनदर। इस इंस्टेंट क्रिमिनल पिटिशन के जरिए पिटिशनर ने हाई कोर्ट के पास किए हुए ऑर्डर को असेल किया है और सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के इंटरेस्ट में प्रे किया है कि उस केस में जहां FIR अंडर सेक्शन 302, 34, 147 और 109 रजिस्टर्ड है, वहां पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट करें। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और कैसे अप्लाई होगी। चीफ जस्टिस उमर अत्या बंदियाल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस सैयद मजाहर अली अकबर नकवी ने कहा कि अगर एक क्राइम मेंटल या साइकोलॉजिकल कंपल्शन की वजह से कमिट हुआ है तो वो डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी की एम्बिट में फॉल करेगा और वो एक्यूज्ड को पार्ट ऑफ द लायबिलिटी फॉर इस क्रिमिनल एक्ट से एब्जॉल्व कर देगा। मोहम्मद अदीम अगेंस्ट मोहम्मद खुरम इकबाल एंड अनदर। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर की कंप्लेंट पर रिस्पॉन्डेंट के खिलाफ पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट मनी लेंडिंग एक्ट 2007 के सेक्शंस 3 और 4 के नीचे केस फाइल किया गया और प्रेजेंट पिटिशन में पिटिशनर ने प्रे किया कि इस केस में रिस्पॉन्डेंट को दी गई प्री अरेस्ट बेल कैंसिल कर दी जाए। इस केस में कोर्ट के सामने एक ही मेन इशू था, वो ये कि प्री अरेस्ट बेल ग्रांट करने का मकसद क्या है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्री अरेस्ट बेल का मकसद मासूम लोगों की हिफाजत करना है जिन्हें एक अब्यूज ऑफ प्रोसेस के तहत किसी अजीब मोटिव की वजह से फंसाया जा रहा हो। ये पोस्ट अरेस्ट बेल से बहुत मुख्तलिफ है और इसे हर क्रिमिनल केस में नहीं देना चाहिए। प्री अरेस्ट बेल ग्रांट करते वक्त कोर्ट को देहांत से काम लेना चाहिए, जो कि हाई कोर्ट ने नहीं किया था और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पोंडेंट की प्री अरेस्ट बेल कैंसिल कर दी। मीरा शफी एक्सेट्रा अगेंस्ट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेट्रा। ये रिट पिटिशन प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के सेक्शन 20 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज कर रही है और उस प्रोविजन के अंडर पुलिस स्टेशन FIA साइबर विंग सर्कल पे रजिस्टर्ड FIR की क्वेशिंग डिमांड कर रही है। अब अदालत के सामने पहला सवाल ये था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 199 के अंडर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन सिर्फ तब इन्वोक हो सकती है जब कोई एडिक्वेट और एफिकेशियस अल्टरनेटिव रेमेडी ना हो। दूसरा ये कि PACA का आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 को वायलेटिव है। तीसरा ये कि PACA का आर्टिकल 20 डिस्क्रिमिनेटरी है या नहीं। चौथा ये कि क्या रूल 7(5) ऑर्डेन करता है कि नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 155 CRPC डील होंगे। पांचवा ये कि क्या सिविल और क्रिमिनल लिटिगेशन साथ साथ चल सकती है। और आखिरी ये कि अगर एक पर्टिकुलर एक्ट मैलाफाइड है तो क्या वो फैक्चुअल इंक्वायरी रिक्वायर करती है जो हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में नहीं अंडरटेक कर सकती। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने पहले सवाल पे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल के आर्टिकल 199 के अंडर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन सिर्फ तभी इन्वोक हो सकती है जब कोई एडिक्वेट और एफिकेशियस अल्टरनेटिव रेमेडी ना हो। दूसरा ये कि PACA का आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 को वायलेटिव नहीं है और ना ही आर्टिकल 20 डिस्क्रिमिनेटरी है। चौथा ये कि रूल 7(5) ये ऑर्डेन करता है कि नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 155 CRPC ही डील होंगे। पांचवा ये कि सिविल और क्रिमिनल लिटिगेशन साथ साथ चल सकती हैं। और आखिरी ये कि अगर एक पर्टिकुलर एक्ट मैलाफाइड है तो वो फैक्चुअल इंक्वायरी रिक्वायर करती है जो हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में नहीं अंडरटेक कर सकती। एजाज अली अगेंस्ट अली नवाज। ये केस सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर के सामने एक क्रिमिनल रिविजन के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर एक्यूज ने अपने वालिद को कत्ल किया। अलबत्ता ट्रायल के दौरान डिसीज्ड की बेटी और उनकी वाइफ ने CRPC के सेक्शन 345 के तहत कातिल के साथ एक कॉम्प्रोमाइज रीच कर लिया। कंप्लेनेंट डिसीज्ड के भाई और बहन थे और वो इस कॉम्प्रोमाइज के खिलाफ थे। डिसीज्ड के भाई के मुताबिक क्योंकि उनकी और डिसीज्ड की वालदा फौत हो चुकी थी तो वालदा की प्रॉपर्टी का शेयर भी उन्हीं के हिस्से में आएगा क्योंकि एप्लिकेंट डिसीज्ड के कातिल होने के बायस उनसे इनहेरिट नहीं कर सकते थे। इस केस में कोर्ट के सामने दो मेन इशूज थे। पहला इशू ये था कि अगर कत्ल के केस में डिसीज्ड के डायरेक्ट लीगल हेयर्स अक्यूज्ड के साथ किसी कॉम्प्रोमाइज को रीच कर लें तो क्या कोई और पार्टी इसे अपोज कर सकती है। कोर्ट के मुताबिक अक्यूज्ड और डिसीज्ड के डायरेक्ट हेयर्स के दरमियान रीच किए गए कॉम्प्रोमाइज को कंप्लेनेंट रेजिस्ट नहीं कर सकते थे। वो इसलिए क्योंकि कॉम्प्रोमाइज कातिल और डिसीज्ड की बीवी और बेटी के दरमियान हुआ जो कि डिसीज्ड के डायरेक्ट हेयर्स थे। अलबत्ता कंप्लेनेंट्स जो कि डिसीज्ड के भाई बहन थे डायरेक्ट हेयर्स नहीं थे बल्कि हेयर्स ऑफ हेयर्स थे और लिहाजा वो इस कॉम्प्रोमाइज़ की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते थे। केस का दूसरा इशू ये था कि क्या कत्ल अमद के लिए सास का राइट होल्ड करने वाले वली और CRPC के सेक्शन 345 सबसेक्शन 2 के नीचे ताजीर के लिए ऑफेंस कंपाउंड करने वाले हेयर्स सेम होते हैं। इस इशू पर सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 461 साइट की जिसमें उन्होंने कहा कि CRPC के सेक्शन 307 के तहत किसास की राइट डिसीज्ड के हेयर ऑफ हेयर पर भी डिवॉल्व कर सकती है। ये वो लोग होते हैं जिनकी डिसीज से कोई ब्लड लिंक होती है और जरूरी नहीं कि वो डिसीज से इनहेरिट करने के काबिल हो। अलबत्ता CRPC के सेक्शन 345 के नीचे जहां मर्डर लाइबल टू ताजीर हो तो सिर्फ वही लोग इसे कंपाउंड कर सकते हैं जो कि डिसीज के डायरेक्ट हेयर्स हों और उनसे हेरिट कर सकते हो। इन्हीं सब कंक्लूजन की बेसिस पर एक्यूज को एक्विट कर दिया गया और डिसीज्ड की बीवी और बेटी ने एक्यूज के साथ जो कॉम्प्रोमाइज किया उसे अपहोल्ड किया गया। जमशेद एलियस बबलू अगेंस्ट द स्टेट एंड अनदर। सनाउल्ला एलियस फौजी अगेंस्ट द स्टेट एंड अनदर। राशिद महमूद अगेंस्ट द स्टेट एंड अनदर। अपेलेंट्स ने अपनी कन्विक्शंस और सेंटेंसेस असेल की हैं जो एंटी टेररिज्म कोर्ट बहावलपुर डिवीजन ने पास की हैं। अब अदालत के सामने पहला सवाल ये था कि टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड कब नेसेसरी है।
दूसरा ये कि TIP की प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर एक्यूज्ड का कोई रोल नहीं मेंशन्ड तो उसकी क्या एविडेंशरी वैल्यू है, और तीसरा ये कि क्या एक चाइल्ड एक कॉम्पिटेंट विटनेस है, और अगर किडनैप चाइल्ड ट्रायल कोर्ट के सामने बतौर विटनेस ना प्रोड्यूस हो तो उसका क्या अफेक्ट होगा। जस्टिस सादिक महमूद खुरम और जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने पहले सवाल पर कहा कि जहाँ एक्यूज्ड अननोन हो वहाँ टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड नेसेसरी है। दूसरा ये कि एक्यूज्ड का रोल विटनेस को आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान डिस्क्लोज करना होगा वरना वो अपनी वैल्यू लूज कर देगा। और आखिरी ये कि एक चाइल्ड एक कॉम्पिटेंट विटनेस है और किडनैप चाइल्ड ट्रायल कोर्ट के सामने बतौर विटनेस ना प्रोड्यूस हो तो प्रोसिक्यूशन के केस में सीरियस डाउट आएगा। आगा कंस्ट्रक्शन कंपनी थ्रू प्रोप्राइटर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान थ्रू सेक्रेटरी मिनरल एंड माइंस डिपार्टमेंट एंड अनदर। इस केस में अंडर रूल 104A ऑफ बलोचिस्तान मिनरल रूल्स 2002 एक रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट था ऑन मेजर मिनरल फॉर रिकवरिंग माइनिंग फील्ड एरियाज। पहला हाईएस्ट बिडर टर्म्स और कंडीशंस के साथ कंप्लाई ना किया। पेटिशनर जो कि सेकेंड हाईएस्ट बिडर था उसे ऑफर लेटर इशू हुआ रिगार्डिंग अवॉइड ऑफ इम्प्यून कॉन्ट्रैक्ट। पेटिशनर की सिक्योरिटी अमाउंट फॉर फीट हो गई क्योंकि उसने एग्रीमेंट विद इन 10 डेज एग्जीक्यूट ना किया। पेटिशनर की अपील एपिलेट अथॉरिटी ने डिसमिस कर दी जबकि पेटिशनर कंटेंट कर रहा था कि फॉर फीचर से पहले उसे ना कोई लेटर मिला और ना ही कोई अपॉर्चुनिटी। चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर मिसकानजई और जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती ने कहा कि अगर ऑफर लेटर में गवर्नमेंट के अप्रूवल का कॉलम ब्लैंक था और सेड लेटर इशू हुआ था बाय द अथॉरिटी लेकिन बगैर रेफरेंस ऑफ अप्रूवल मेंशन किए, ना ही रिस्पॉन्डेंट ने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया कि पिटिशनर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई थी। हाई कोर्ट ने मैटर रिमांड किया टू द एपलेट अथॉरिटी और लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन पार्टली अलाउ हो गई। परवेज़ अख्तर एंड अदर्स अगेंस्ट लैंड एक्विजिशन कलेक्टर एंड अदर्स। ये केस लाहौर हाई कोर्ट के सामने लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के सेक्शन 18 के तहत एक रेफरेंस के तौर पर पेश किया गया। इस केस के ब्रीफ फैक्ट्स पर अपेलेंस की 194 कनाल और 15 मरले ज़मीन एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स के थ्रू स्टेट ने हासिल कर ली। अपेलेंस ने अलेज किया कि उन्हें उनकी ज़मीन के लिए सही कॉम्पनसेशन नहीं दी गई लेकिन रेफरी कोर्ट ने उनकी रेफरेंस डिसमिस कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने फिर इस प्रेजेंट केस में अपील को अलाउ कर दिया और अपेलेंट्स को उनकी ज़मीन की वही कीमत दी गई जो कि अपेलेंट्स के मुताबिक मुनासिब थी। इस केस में कोर्ट ने लैंड एक्विजिशन के कानून के मुतालिक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर रोशनी भी डाली। इस केस का पहला इशू ये था कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के पीछे लेजिस्लेचर की क्या नीयत थी। कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट इस डॉक्ट्रिन पर मबनी है कि पब्लिक इंटरेस्ट सुप्रीम है और प्राइवेट इंटरेस्ट स्टेट के इंटरेस्ट से नीचे होते हैं। ये एक्ट एक पूरा सिस्टम बनाता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट किसी भी पब्लिक मकसद के लिए एक प्राइवेट शख्स की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। ये बात सच है कि इस एक्ट के थ्रू आम लोगों से उनकी प्रॉपर्टी ली जाती है लेकिन ये सिर्फ एक पब्लिक पर्पस के लिए ही किया जा सकता है क्योंकि लैंड एक्विजिशन के दौरान लोगों को उनकी प्रॉपर्टी राइट से महरूम किया जा रहा होता है। ये एक्ट एक पूरा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू ज़मीन को मेजर किया जाता है, उसकी कीमत असेस की जाती है, उसकी कॉम्पनसेशन दी जाती है और किसी मामले की सूरत में उसे हल करने का तरीका बताया जाता है। ये सारा सिस्टम इसीलिए बनाया गया है ताकि किसी भी शख्स को उसकी ज़मीन की सही कीमत से महरूम ना किया जाए। केस का दूसरा इशू ये था कि एक्वायर की गई ज़मीन के लिए मुनासिब कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या असूल फॉलो करने चाहिए। इस इशू पर कोर्ट ने वो मुतअद्दिद प्रिंसिपल सामने रखे जो कि ज़मीन के लिए कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करते वक्त मद्देनजर रखने चाहिए। सबसे पहले कानून शहादत 1984 के तहत प्रूडेंट मैन का स्टैंडर्ड अप्लाई करना चाहिए और सारे सबूतों की बिना पर देखना चाहिए कि एक खरीदार उस ज़मीन की क्या कीमत देता। सेकेंडली कोर्ट को देखना चाहिए कि अपेलेंट को एक्वायर्ड ज़मीन के उसकी दूसरी ज़मीन से अलग किए जाने पर और इस वजह से अपनी रहने की जगह या बिजनेस तब्दील करने से क्या नुकसान होगा। कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि क्या गजेट में डिक्लेरेशन पब्लिश होने से लेकर कलेक्टर के जमीन की पोजीशन लेने तक अपेलेंट के जमीन से मुतालिक प्रॉफिट्स में कोई कमी तो नहीं आई। तीसरा फैक्टर ये था कि जमीन का ओनर बगैर किसी प्रेशर के अपनी जमीन को किस कीमत के लिए बेचता और इसकी ऑब्जेक्टिव मार्केट वैल्यू क्या थी। कोर्ट को यह भी देखना चाहिए था कि जमीन को मुस्तकबिल में किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इस इस्तेमाल से फ्यूचर ओनर्स को क्या फ़ायदा होगा। कोर्ट को लोकल प्रॉपर्टी डीलर से ज़मीन की वैल्यू का पता लगाना चाहिए और सिर्फ ज़मीन की पास्ट डॉक्यूमेंट्री ट्रांजैक्शंस पर नहीं रिलाई करना चाहिए क्योंकि अक्सर लोग स्टैम्प ड्यूटी को बचाने के लिए पेपर्स में अपनी ज़मीन की कीमत कम लिखवाते हैं। इसके साथ कोर्ट को ज़मीन के नेचर को देखना चाहिए और ये देखने के लिए सिर्फ गिरदवारी से ज़मीन की डिस्क्रिप्शन पढ़ना काफ़ी नहीं क्योंकि अक्सर औकात गिरदवारी में ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों की डिस्क्रिप्शन नहीं होती जो कि असल में ज़मीन की वैल्यू को बढ़ा सकती हैं।
इसी तरह अगर ज़मीन बंजर या बारानी भी हो तो इसकी कीमत इसकी लोकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हो सकती है। इन्हीं सब फैक्टर्स को अकाउंट में लेते हुए कोर्ट एक्वायर्ड लैंड की वैल्यू सही तरीके से डिटर्मिन कर सकता है। फयाज अली मस्तोई अगेंस्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरीगेशन शादत कोर्ट। ये केस सिंध हाई कोर्ट के सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर्स कुछ एग्रीकल्चरल ज़मीन के मालिक थे और उन्होंने कहा कि रिस्पोंडेंट्स जानबूझकर इरिगेशन चैनल से उनकी ज़मीन तक पानी का सप्लाई रोक रहे थे। रिस्पोंडेंट्स के मुताबिक ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन मेंटेनेबल थी ही नहीं क्योंकि इसमें इश्यूज ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से पिटिशनर को एक सिविल सूट लाना चाहिए था। इस केस में मेन इशू ये था कि क्या राइट टू इरिगेट एग्रीकल्चरल लैंड आर्टिकल 9 की राइट टू लाइफ के नीचे फॉल करता है। इस पिटिशन को अलाउ करते हुए कोर्ट ने ये कहा, पिटिशनर अपनी हर फंडामेंटल राइट के सिलसिले में कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्डिक्शन इन्वॉल्व कर सकते थे क्योंकि फार्मर्स अपनी ज़रिए ज़मीन से पैसे कमाते हैं। इरिगेशन लॉज राइट टू लाइफ के नीचे फॉल कर सकते हैं और ये बात 2014 SCMR 353 में भी कंफर्म की गई। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर्स की लैंड वाटर कोर्स के रास्ते में आती थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को डायरेक्ट किया गया कि वो ये इंश्योर करें कि वाटर कोर्स से पानी शेयर लिस्ट के मुताबिक इस्तेमाल किया जा रहा है। निजात अली एंड अनदर अगेंस्ट असमत आरा एंड टू अदर्स। इस इंस्टेंट पिटिशन के जरिए पिटिशनर ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को असेल किया जब वो एक्स पार्टी प्रोसीड हुआ और उसकी एप्लीकेशन पे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग सेट असाइड कर दी गई। फैमिली कोर्ट्स एक्ट का सेक्शन 95 कहता है कि जब डिफेंडेंट कोर्ट की फिक्स डेट पे अपीयर ना हो तो वो एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाएगा, लेकिन एक्स पार्टी प्रोसीडिंग सेट असाइड भी हो सकती हैं अगर नॉन अपेयरेंस के लिए वो गुड कॉज शो कर दे। और सेक्शन 96 वो पीरियड प्रोवाइड करता है जिसमें एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। जस्टिस मोहम्मद नईम अनवर ने अलबत्ता इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ये पिटिशन डिसमिस कर दी। रिस्पोंडेंट ने कोशिश की कि डिक्री सेट असाइड हो जाए पर ऐसा ना हुआ और सेकेंड राउंड में जब उसकी बहन ने भी ऑब्जेक्शन पिटिशन फाइल की तो वो भी टर्न डाउन कर दी गई। और इसके साथ आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते कुछ नए केसेस के साथ।